हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं सुपर फास्ट सीरीज का अगला वन शॉट, जिसमें बात करेंगे हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव तथा द्रव्य तरंगों के बारे में। अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, किरण प्रकाश की पढ़ी, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, वहां पर हम लोगों ने तरंग प्रकृति पढ़ी, तरंग प्रकाश की कंप्लीट किया, व्यतिकरण विवर्तन पढ़ा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है और द्रव्य तरंगें क्या होती हैं। यूपी बोर्ड में कुल 6 नंबर में पूछी जाती हैं, तो इसका वेटेज काफ़ी बढ़िया है और सवाल भी बहुत आसानी से किए जा सकते हैं इसके। तो आज की क्लास में हम कंप्लीट थियोरी पढ़ेंगे, साथ में कुछ आंकड़े प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। तो हम लोगों को इन जनरल आइडिया होता है थोड़ा कि अगर कोई धातु है तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं वो कम ऊर्जा पाकर भी धातु सतह को छोड़कर आसानी से निकल सकते हैं। तो जब कोई, यहां पर डेफिनेशन है, जब किसी धातु प्लेट अथवा प्रकाश संवेदनशील पदार्थ, धातु की प्लेट हो सकती है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या कोई प्रकाश संवेदनशील पदार्थ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं, कह रहे किसी सतह पर जब विशिष्ट तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति, निश्चित आवृत्ति होनी चाहिए, का विकिरण, वो प्रकाश भी हो सकता है, पराबैंगनी किरणें हो सकती हैं, गामा किरणें हो सकती हैं, एक्स किरणें हो सकती हैं, जब आपतित होती हैं तो सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इस परिघटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहा जाता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की होने की दर, जो प्रवाह होता है उनके कारण जो परिपथ में धारा बहती है, उसे कहते हैं हम प्रकाश वैद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है इसे। ठीक है, तो ये छोटी सी डेफिनेशन थी, उम्मीद है समझ में आई होगी। इन जनरल जो डेफिनेशन लिखी जाती है, कहते हैं कि जब किसी धातु सतह या किसी प्रकाश संवेदनशील पदार्थ की सतह के ऊपर विकिरण आकर आपतित होते हैं जिनकी कुछ ऊर्जा निश्चित होनी चाहिए, तो उस सतह से या उस संवेदनशील पदार्थ या धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इसी क्रिया को कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, लेनार्ड ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था, बाद में कई सारे लोगों ने इसके प्रयोग किए, और आइंस्टीन ने बाद में इसके ऊपर समीकरणें भी दी। तो आइंस्टीन की हम समीकरण देखेंगे कि प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझा जा सकता है, अगर हम यहां पर एक ट्यूब बनाते हैं, मान लेते हैं कोई ट्यूब है, ये कोई ट्यूब बना रहे हैं हम लोग, ये कोई ट्यूब बनी हुई है, यहां पर प्लेटें लगी हुई हैं धातु की, एक धातु की प्लेट ये है, दूसरी धातु की प्लेट ये है, मान लेते हैं जिंक प्लेट है ये, और इनको बाहर इधर जोड़ा गया है, हम सिर्फ यहां पर देख रहे हैं चीजों को, तो गैल्वेनोमीटर लगा करके देखते हैं कि अगर धारा प्रवाह होगा तो गैल्वेनोमीटर हमें धारा बताएगा। ठीक है, अब इनमें देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये धातु की प्लेट थी, ये धातु की प्लेट थी, इनमें यहां पर एक विंडो रखी जाती है, ये एक विंडो है, इसके काम के बारे में भी बात करते हैं कि इसका काम क्या होता है, ये ऐसा है, इस विंडो पर आकर के विकिरण आपतित होते हैं और इस धातु की सतह पर गिरते हैं, और धातु की सतह पर जब आकर के गिरते हैं तो यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस धातु, ये जिंक की प्लेट थी, जिंक प्लेट थी मान लेते हैं, धातु है जिंक, जिंक की प्लेट है, इधर भी ये जिंक की प्लेट थी, जिंक प्लेट थी, तो जब इस विंडो से होकर के विकिरण आपतित हुए, यहां पर हम आगे भी बात करेंगे, इनकी ऊर्जा एच न्यू से लिखी जाती है, तो जब विकिरण आपतित हुए इस धातु की सतह के ऊपर, तो इस धातु सतह में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो क्या होंगे, ऊर्जा अवशोषित करेंगे और यहां से उत्सर्जित होंगे, उत्सर्जित होकर सामने वाले इलेक्ट्रोड की तरफ बढ़ेंगे, ये इलेक्ट्रॉन सामने वाले इलेक्ट्रोड की तरफ बढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रोड की तरफ बढ़ेंगे तो यहां से यहां तक जाएंगे और परिपथ आगे पूरा कर दिया है गैल्वेनोमीटर लगा करके, तो गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न होगा, और धारा मापी में विक्षेप उत्पन्न होने का मतलब यहां परिपथ पूरा हो रहा है और एक धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस प्रकार इस प्रयोग को किया गया था, धातु की प्लेटें ली गई, एक ट्यूब ली गई, उसमें एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग, और उसके बाद देखते हैं कि जब विकिरण आपतित होते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और ये विभवमापी विक्षेप उत्पन्न करता है, शो करता है। तो अब यहां से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जिधर जाते हैं उधर कैसी प्लेट होती है, तो इलेक्ट्रॉन जिधर जाते हैं उधर प्लेट होती है धन प्लेट, तो ये धन प्लेट बनेगी, यहां से इलेक्ट्रॉन
यहां पर ऋण प्लेट बनेगी, तो उधर की तरफ जा रहे होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहे हैं, ये धन प्लेट है इसकी और ये ऋण प्लेट बनी हुई है। अब इनमें देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें जो धारा प्रवाह होगा वो राइट से लेफ्ट की तरफ होगा, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में चलते हैं उनके विपरीत धारा प्रवाहित होती है। तो इलेक्ट्रॉन अगर बाईं प्लेट से दाईं प्लेट की तरफ जाएंगे तो धारा दाईं प्लेट से बाईं प्लेट की तरफ प्रवाहित होगी। इसी धारा को हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गई डेफिनेशन। और इसको याद कैसे रखा जा सकता है वो भी हमने बताया कि जैसे यहाँ कोई विकिरण आपतित हो रहे हैं और इन विकिरणों के आपतित होने की वजह से, यहाँ ये विकिरण आपतित हो रहे हैं, इन आपतित विकिरणों की वजह से जो यहाँ धातु प्लेट है, ये जो धातु की प्लेट है, इससे क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इनकी वजह से जो धारा प्रवाहित होती है उसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। परिभाषा समझ में आई होगी, आगे बढ़ के बात करते हैं। आगे है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम क्या हैं। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला नियम क्या है इनका, सबसे पहला नियम है कि जब किसी निश्चित आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य, यहां पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आवृत्ति या फिर तरंग दैर्ध्य, जब किसी निश्चित आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य का प्रकाश संवेदनशील पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए उसकी सतह पर आपतित होता है, तो उसकी जो आवृत्ति होती है वो न्यूनतम आवृत्ति निश्चित होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे कि ये कोई धातु की सतह थी, यहाँ पर विकिरण आकर गिर रहे थे, इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तो ऐसा जरूरी नहीं कि विकिरण आकर के गिरेंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही होंगे, उनकी न्यूनतम कम से कम कुछ आवृत्ति होनी चाहिए जिसके सापेक्ष कुछ उनके पास ऊर्जा होगी और वो ऊर्जा इतनी होनी चाहिए कि धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करवा सकें। अगर ऐसा होता तभी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं जिस पर उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं। देखो आगे लिखा है, तो अगर कोई मेटल सर्फेस है, ये धातु की सतह है, यहां पर कोई विकिरण आकर के आपतित होते हैं, विकिरण आकर के आपतित होते हैं, तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो विकिरण आपतित हुए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, तो इनकी कुछ न्यूनतम आवृत्ति होती है, न्यूनतम आवृत्ति, न्यूनतम आवृत्ति जो होती है, न्यूनतम आवृत्ति जो धातु सतह, धातु सतह से फोट इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके, इस आवृत्ति को नाम दिया जाता है, इस आवृत्ति को क्या नाम दे देते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं इसे हम, देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, और इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो न्यूनतम आवृत्ति जो इस पर गिरेंगे और इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, जो विकिरण आकर के गिरेंगे उनसे इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे, उसके लिए आवश्यक यह है कि जो न्यूनतम आवृत्ति है वो देहली आवृत्ति होनी चाहिए। इससे कम का प्रकाश अगर इस धातु सतह के ऊपर गिरेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। ठीक है, एक बात यहां और कर लेते हैं, एक अलग डेफिनेशन जिसे हम कहते हैं कार्यफलन। कार्यफलन के बारे में अगर बात करें तो कार्यफलन को W या फिर फाई से डिनोट किया जाता है। और ये क्या होता है इसके बारे में बात करें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा के साथ बंधे होते हैं धातु के साथ, तो धातु सतह के साथ अगर कुछ ऊर्जा से बंधे होंगे इलेक्ट्रॉन, तो उनको निकालने के लिए हमें कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो यहाँ लिख सकते हैं न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन धातु सतह से उत्सर्जित हो सकें, उत्सर्जित हो सकें, उनको क्या कहा जाता है, उसे हम कहते हैं कार्यफलन। ठीक है, या फिर कह सकते हैं वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करवा सकती है उसे कार्यफलन कहते हैं। अगर कार्यफलन का हम फार्मूला देखें तो W बराबर लिखा जाता है H न्यू नॉट लिखते हैं इसे हम, एच न्यू नॉट कैसे, ये देखो न्यू नॉट थी इसकी देहली आवृत्ति, कितना प्रकाश तो गिरना ही चाहिए, एच होता है यहां पर प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक होता है। इस प्लांक नियतांक का मान पूछा जाए तो इस प्लांक नियतांक का मान होता है एच बराबर 6.626
10^-34 मात्रक जरूर याद रखेंगे, जूल सेकेंड लिखा जाता है, ठीक है, प्लांक नियतांक होता है। तो ये कार्यफलन हो गया, कार्यफलन है ऊर्जा है, ऊर्जा किस में लिखी जाती है, जूल में लिखी जाती है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि कार्यफलन का जो मात्रक होता है जूल होता है, ठीक है। तो न्यूनतम आवृत्ति, जिस आवृत्ति से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसे हम दहलिया आवृत्ति कहते हैं। कार्यफलन क्या होता है, वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन धातु सतह से उत्सर्जित हो सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, धातु का कार्यफलन कहते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, हम लोग जानते हैं न्यू नॉट बराबर क्या होता है, सी अपान लैम्डा नॉट, ऐसा लिखा जाता है। तो यहां जो लैम्डा नॉट होता है उसे कहते हैं हम दहली तरंग धैर्य, दहली तरंग धैर्य कहा जाता है, दहली तरंग धैर्य कहते हैं। और इस दहली तरंग धैर्य को इस तरह से परिभाषित किया जाता है, वह अधिकतम तरंग धैर्य जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दहली तरंग धैर्य कहते हैं। अब अगर ये मान यहां पर रखा जाए तो ये हमारे पास जो फार्मूला बनेगा W का वो क्या बन जाएगा, एच न्यू नॉट, इसे लिखेंगे सी डिवाइडेड बाई लैमडा नॉट। तो ये दो फार्मूले हमारे पास काम करेंगे, W बराबर एच न्यू नॉट या W बराबर एच सी अपान लैमडा नॉट, कभी जो भी फार्मूला यूज करना होगा हम यूज कर लेंगे। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर किसी धातु सतह पर विकिरण आकर आपतित होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन तभी उत्सर्जित होंगे जब विकिरण की ऊर्जा कार्यफलन से ज्यादा हो, कार्यफलन से अगर कम होगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है, किसी धातु के पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। इनका क्या कहना है, इनका ये कहना है कि किसी धातु पृष्ठ पर जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो समानुपाती होते हैं प्रकाश वैद्युत धारा के। इसका मतलब सिंपल है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे किसी धातु सतह से उतने ज़्यादा नंबर में आवेश प्रवाहित होगा, या कह सकते हैं उतना ज़्यादा आवेश प्रवाहित होगा, और आवेश का मान जितना ज़्यादा होगा धारा उतनी ज़्यादा बनेगी। तो यहाँ पर कह सकते हैं, ये कहना क्या चाहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर समानुपाती होती है तीव्रता के। यहां पर एक ग्राफ बनता है, वो ग्राफ भी याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। ग्राफ क्या है, देखो ग्राफ कुछ ऐसा बनाया जाता है, अगर हम यहां एक ग्राफ खींचें, इधर लिखा जाता है प्रकाश वैद्युत धारा, इस अक्ष पर है प्रकाश वैद्युत धारा। तो अगर इधर प्रकाश वैद्युत धारा होगी, इधर लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर है और इधर है प्रकाश वैद्युत धारा, तो इनका जो ग्राफ आता है वो समानुपाती है ही, तो समानुपाती होगा तो एक सीधी रेखा निकल के आएगा। इस तरह से ग्राफ बनाया जाता है। पहले जो दूसरे पॉइंट को लिखा गया है इसका यही मतलब है कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे धातु सतह से उतना ज़्यादा आवेश होगा जो प्रवाहित होगा, जितना आवेश प्रवाहित होता उतनी धारा होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं आई बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, डी क्यू बाई डी टी। तो जितना ज़्यादा आवेश प्रवाहित होगा उतनी ज़्यादा धारा बनेगी, ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, किसी धातु के पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। यहां पर हम लोगों ने पढ़ा उत्सर्जन की दर किस पर निर्भर करती है, तीव्रता पर निर्भर करती है। जितने इलेक्ट्रॉन आकर के टकराएंगे प्रति सेकेंड, जितना ज्यादा प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉन आकर के टकराएंगे उसकी तीव्रता उतनी ज्यादा होगी, और हम यहां से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी तो उसमें जो धारा प्रवाहित होगी प्रकाश वैद्युत धारा का मान भी बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट है, किसी धातु के पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। अगला पॉइंट है, किसी धातु से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती, फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा को हम लिखते हैं के ई, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इस तरह से लिखा जाता है अधिकतम गतिज ऊर्जा, प्रकाश की आवृत्ति तथा धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, इसका मतलब ये न्यू पर निर्भर करती है, और धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है, इसका मतलब है डब्ल्यू पर निर्भर करती है, जिसको अभी हम लोगों ने कार्यफलन कहा, कार्यफलन पर निर्भर करेगी। जिस धातु में जितने ज़्यादा मजबूती से इलेक्ट्रॉन बंधे होंगे उनको बाहर निकालने के लिए हमें उतनी ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। तो ये किस पर निर्भर करेगी, धातु की प्रकृति मतलब डब्ल्यू पर, अधिकतम गतिज ऊर्जा और प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, ठीक है। आगे हम इनमें संबंध भी देखेंगे,
किसी धातु पृष्ठ से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। अभी हम लोगों ने पॉइंट क्या पढ़ा कि अधिकतम जो गतिज ऊर्जा होती है वो किस पर निर्भर करती, आवृत्ति पर निर्भर करती। तो अगर आवृत्ति पर निर्भर करेगी अधिकतम गतिज ऊर्जा तो वो इस प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी, कि प्रकाश की तीव्रता निर्भर करती है प्रकाश वैद्युत धारा पर, ठीक है, या प्रकाश वैद्युत धारा अधिकतम तीव्रता पर निर्भर करती है। किसी धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश तथा पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती। इसका मतलब समझते हैं, ऊपर वाले पॉइंट समझ में आ ही गए। इस पॉइंट को समझा जाए तो ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि अगर ये कोई धातु सतह है, यहां पर विकिरण आकर के आपतित हो रहे हैं, ये विकिरण आकर के आपतित हो रहे हैं और यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं यहां से, तो फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन तथा विकिरण के आपतित होने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती, मतलब कोई टाइम लैगिंग नहीं होता कि आकर के गिरेंगे फिर ऊर्जा अवशोषित होगी, ऊर्जा अवशोषण के बाद निकलेंगे बाहर, ऐसा नहीं है। विकिरण आकर आपतित हुआ तो वहां से इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलेंगे, इनके बीच में कोई समय पश्चता नहीं होती। तो ये पॉइंट थे जिनको हमने डिस्कस किया कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव को कैसे समझा जा सकता है। पहला पॉइंट था कि तीव्रता जो होती है या प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर होती तीव्रता पर निर्भर करती है, वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। फिर अगला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि अधिकतम जो गतिज ऊर्जा होती है आवृत्ति पर निर्भर करती है और धातु के कार्यफलन या धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है। अधिकतम गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती और धातु सतह पर जो विकिरण आकर के आपतित होते हैं और वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इनके बीच में कोई समय पश्चता नहीं होती। तो ये पहले जो हम लोगों ने पढ़े अभी वो थे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। अब इनको समझाया था आइंस्टीन ने, तो इनके बारे में बात करते हैं। इन्होंने कहा था कि अगर कोई, इसको ऐसे समझते हैं, यहां पर हम लोग धातु की सतह बनाते हैं, एक ये कोई धातु की सतह है, धातु सतह है। अब यहां पर विकिरण आकर के आपतित हो रहे हैं, मान लेते हैं कि ये विकिरण है, आपतित हो रहे हैं धातु की सतह पर आकर के, ठीक है। धातु की सतह पर जो विकिरण आपतित होते हैं उनकी जो आवृत्ति है, आवृत्ति वो दे रखी है न्यू, ठीक है, आवृत्ति न्यू है। और इस धातु का कार्यफलन जो दिया गया है, कार्यफलन जिसको हम फाई या डब्ल्यू लिखते हैं, तो इसे मान लेते हैं डब्ल्यू है कार्यफलन, ऐसा देखिए वर्क फंक्शन है। और यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहां से अगर उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉन ये निकल रहे हैं बाहर की तरफ, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो लिख लेते हैं, अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा इसको हम लोग लिखते हैं के ई मैक्सिमम से, इस तरह से लिखी जाती है अधिकतम गतिज ऊर्जा, ठीक है। इन्हीं में संबंध बताया था आइंस्टीन ने, उसी को हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत समीकरण। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू है, तो बताते हैं आपतित विकिरण की ऊर्जा, आपतित विकिरण की ऊर्जा, आपतित विकिरण की ऊर्जा को हम लोग कैपिटल ई से लिखते हैं। कैपिटल ई बराबर होगा एच इंटू न्यू, क्योंकि न्यू आवृत्ति है, एच प्लांक नियतांक होता तो एच न्यू से लिख देंगे हम। तो अब इनको समझा जाए तो हम यहां ऊर्जा संरक्षण के आधार पर इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इनके आधार पर अगर हम समीकरण को लिखना चाहें, समीकरण क्या है हमारे पास, तो समीकरण यह है ई ऊर्जा आपतित होती है, उसमें से डब्ल्यू कहां चली गई, डब्ल्यू धातु के कार्यफलन में चली गई, धातु में जिस ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन बंधे थे उनको दे दी गई, तो बची हुई ऊर्जा कहां जाएगी, बची हुई ऊर्जा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, या कह सकते हैं जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उनकी गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। यहां पर यह ध्यान रखेंगे कि इस समीकरण को कहा जाता है आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण, यह प्रकाश वैद्युत समीकरण है। अब अगर इसको सॉल्व करें आगे जो डाटा दिया होता उसके आधार पर, तो ई का मान हमारे पास पता है एच इंटू न्यू होता है, यहां लिख सकते हैं एच न्यू। यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखी जाती है W की, W को हम जो हम लोग जानते हैं दहली आवृत्ति के रूप में लिख सकते हैं, तो एच न्यू नॉट लिख सकते हैं, बराबर अधिकतम गतिज ऊर्जा निकल के आएगी, ये अधिकतम गतिज ऊर्जा है।
अब हमें बताना है कि अधिकतम काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है। तो हम लोग जानते हैं कि यहां पर एक प्लेट ये लगाई गई, दूसरी प्लेट ये लगाई गई, यहां पर जब विकिरण आकर के आपतित होते हैं, यहां विकिरण आकर के आपतित होते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो ये धन प्लेट और ये ऋण प्लेट होती है। अब क्या करना है हमें, यहां पर एक विभव लगाना है कुछ इस तरह से V नॉट। ये विभव लगाया गया, V नॉट विभव एक ऐसा विभव है, अगर ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी तो पॉजिटिव प्लेट होगी तो इन इलेक्ट्रॉनों पर इधर ही की तरफ बल लगाएगी, इनको इधर दाहिनी तरफ नहीं जाने देगी, और दाहिनी तरफ अगर नहीं जाने देगी तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से उत्सर्जित होकर इस प्लेट की तरफ बढ़ रहे हैं उनका उत्सर्जन बंद हो जाएगा। तो ये जो वी नॉट है इसे कहते हैं वह न्यूनतम विभव जिस पर वह न्यूनतम विभव जिस पर धातु प्लेट से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन रुक जाता है या बंद हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं संतप्त विभव कहा जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंग्लिश में इसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अब अगर यहां से फार्मूला बनाया जाए अधिकतम गतिज ऊर्जा का, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या बनेगा, के ई मैक्सिमम क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं W बराबर क्या होता है, क्यू इन टू वी होता है, तो इसे यहाँ लिखा जाए तो E इन टू वी नॉट लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा लिखा जा सकता है अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र। ये मान यहाँ रख लेते हैं, तो अगर ये मान हम लोग यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर इसे लिख सकते हैं ई वी नॉट। ठीक है, वी नॉट संतप्त विभव है। अब यहां से हम वैल्यू निकालना चाहते हैं कि अगर हम इसे वी नॉट लिखना चाहें, वी नॉट बराबर क्या आएगा, तो वी नॉट बराबर क्या निकल के आएगा, देखो यहां से ये निकल के आएगा, ई चला जाएगा बटे में, तो इसे लिख सकते हैं एच बाई ई इन टू न्यू माइनस एच बाई ई इन टू न्यू नॉट, इस तरह से लिखेंगे हम। अब अगर इसको देखा जाए कि कैसा ग्राफ है ये, तो ग्राफ ऐसा देख सकते हैं, ये हमारे पास है वाई बराबर एम एक्स माइनस सी टाइप का ग्राफ बनेगा, तो ये ग्राफ भी याद रख सकते हैं, कुछ ऐसा ग्राफ होगा ये, यहाँ पर वी नॉट हो गया वाई एच पर, तो इधर हो गया वी नॉट, इधर क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा न्यू। अब इनके बीच में ग्राफ खींचे तो माइनस का आएगा ये वैल्यू, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। और इसके स्लोप के बारे में बात करें तो इसका स्लोप क्या होगा, तो इसका स्लोप, इसकी प्रवणता निकल के देखो क्या आ रही, h बटा e आ रही है, इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं इसका। इसको और बदलना चाहें आगे फर्दर तो बदल सकते हैं, कैसे, यहां पर हम लोग जानते हैं न्यू की वैल्यू होती c अपान लैमडा, तो भी लिखा जा सकता है h c अपान लैमडा, यहीं से बदल रहे हैं इसे, माइनस का w की वैल्यू क्या होती है, एच सी अपान लैमडा नॉट बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ई वी नॉट लिख सकते हैं, तो ई वी नॉट लिख सकते हैं इसे हम। अब फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो V नॉट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, H डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा हमारे पास, या फिर ऐसे लिख देते हैं एच सी डिवाइडेड बाई में लैम्डा है तो E इंटू लैम्डा हो जाएगा, माइनस में बनेगा एच सी अपान ई इंटू लैम्डा नॉट बन जाएगा, ऐसा लिखेंगे। तो अब अगर इसे सॉल्व किया जाए फर्दर, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें वन बाई लैम्डा, तो वी नॉट बराबर हम इसे लिखना चाहते हैं एच सी डिवाइडेड बाई ई, यहां लिखना चाहते हैं हम वन बाई लैमडा, माइनस का ये बन जाएगा एच सी अपान ई इंटू लैमडा नॉट, ऐसा बनेगा। तो यहां से अगर ग्राफ खींचा जाए एक अलग ग्राफ, तो भी ग्राफ क्या बनेगा, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इधर है हमारे पास वी नॉट, इधर है वन बाई लैमडा नॉट, तो भी ये ग्राफ यहीं से पास होगा और कटान यहां पर ऋणात्मक बनने वाला है,
ऋणात्मक कटान बनेगा, क्योंकि y बराबर देखो m इंटू एक्स माइनस सी टाइप का बनेगा, तो ऐसा होगा। यहाँ पर जो स्लोप निकल के आएगा, प्रवणता जो निकल के आएगी वो कितनी लिखी जाएगी, तो यही लिखा देखो एच सी डिवाइडेड बाई ई लिखा जाएगा। तो ये ग्राफ भी होते हैं आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण के, तो याद रख सकते हैं। इसके बारे में इतनी डिटेल बातें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम सवालों को लगा सकते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात का। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं कि फोटान, यहाँ पर द्रव्य तरंगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो फोटान के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो हम लोगों को ये पहले पता था कि प्रकाश एक सतत रूप में आगे बढ़ता है, सतत प्रवाह होता है प्रकाश का, चलता है, संचरित होता है। लेकिन बाद में पता चला कि जो प्रकाश का संचरण होता है, प्रकाश का संचरण सतत नहीं होता, सतत ना होकर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या फिर हम इसे कह सकते हैं पैकेटों के रूप में होता है, पैकेटों के रूप में होता है। और ये बंडल जो छोटे छोटे होते हैं, इन्हीं को फोटान या क्वांटा कहा जाता है, फोटान या क्वांटा कहते हैं हम लोग, क्वांटा कहते हैं, ठीक है। यहां पर एक बात और याद रखेंगे कि फोटान और क्वांटा कैसे बनते हैं। तो प्रकाश का संचरण जो होता है वो सतत रूप में नहीं होता, और प्रकाश का संचरण सतत रूप में ना होने की वजह से प्रकाश जो होता है वो छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में चलता है, एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में चलता है, और उन्हीं के एनर्जी पैकेट्स को हम फोटान या क्वांटा कहते हैं। प्रकाश के बारे में अगर हम बात करें तो प्रकाश को अगर हम कण मानते हैं तो इसमें कोई परमाणु या अणु नहीं होता, परमाणु या अणु नहीं होता, नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। प्रकाश कण है पर उसमें परमाणु या अणु नहीं है, ये अपनी प्राचीन मान्यता है, बहुत पहले से भी चला आ रहा है। और अगर परमाणु या अणु नहीं है, यहां से भी ये बात कह सकते हैं कि अगर प्रकाश में परमाणु या अणु नहीं है तो ये विक्षेपित नहीं होगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र हो या फिर चुंबकीय क्षेत्र हो, या फिर चुंबकीय क्षेत्र हो, इसमें क्या होगा, ये विक्षेपित नहीं होगा, सीधी रेखा में आगे बढ़ेगा, इस पर कोई बल नहीं हो, बल लगेगा, विक्षेपित नहीं होगा, तो ये विक्षेपित नहीं होता। तो फोटान के बारे में ये बात हुई कि प्रकाश जो होता है वो सतत रूप में ना चलकर एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलता है, जिनको हम फोटान या क्वांटा कहते हैं, ठीक है। फोटान की जो ऊर्जा लिखी जाती है, हम जानते हैं अगर न्यू आवृत्ति है तो एच न्यू से लिखा जाता है, और अगर हम इसको लिखना चाहें तो अलग से लिख सकते हैं, ई बराबर में क्या हो जाएगा, एच न्यू हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं एच न्यू बटा लैम्डा, एच सी बटा लैम्डा लिखा जाता है, ये हो गई ऊर्जा। अगर संवेग के बारे में बात करें तो हम लोगों को पता है संवेग क्या होता है, तो ये एम इंटू सी होता है या एम इंटू वी होता है, सी से चलता है प्रकाश तो सी हो गया। अब अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आएगा, तो ये एम इंटू सी लिखेंगे, और हम जानते हैं E बराबर क्या होता है हमारे पास, एम सी स्क्वायर होता है, जैसे अभी हम यहाँ लिखेंगे द्रव्यमान, ये m होता है, m बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, E डिवाइडेड बाई में c स्क्वायर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अगर वैल्यू रख देते हैं m की, तो m की वैल्यू क्या निकल के आएगी, E डिवाइडेड बाई में, या फिर हम इसे हाँ E डिवाइडेड बाई में क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर इंटू सी, तो इसे लिखा जा सकता है ई सी डिवाइडेड बाई में, ई डिवाइडेड बाई सी लिखा जा सकता है, इसे E डिवाइडेड बाई C लिख सकते हैं, एक C से C कैंसिल हो जाएगा। E की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, तो ये होती है एच सी डिवाइडेड बाई में लैम्डा, यहाँ C आएगा तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, एच डिवाइडेड बाई लैम्डा आएगा। तो इस तरह से हम संवेग भी लिख सकते हैं फोटान का, ऊर्जा भी लिख सकते हैं, और उसका गत प्रभावी द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये रिलेटिविस्टिक मास होता है, ध्यान रखेंगे। फोटान के बारे में और कुछ बातें हैं कि फोटान अनावेशित होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता, मूल कण है, इसका विराम द्रव्यमान शून्य लिया जाता है, प्रकाश की चाल से चलता है, वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने अभी बात किया कि जो प्रकाश होता है
वो कण तो है लेकिन उसमें कोई परमाणु या अणु नहीं होता। तो परमाणु अगर अणु नहीं होंगे उसके अंदर तो आवेश भी नहीं होगा, आवेश ना होने की वजह से वो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होगा क्योंकि उस पर बल नहीं लगेगा। तो फोटान के बारे में ये फार्मूले याद रख सकते हैं कि फोटान क्या होता है, ऊर्जा का छोटे छोटे पैकेट होते हैं जिनसे प्रकाश संचरित होता है किसी माध्यम में। फोटान की ऊर्जा एच न्यू एच सी अपॉन लैम्डा लिखी जाती है, संवेग एच अपॉन लैम्डा लिखा जाता है। फोटान का प्रभावी द्रव्यमान ई बाई सी स्क्वायर होता है। और फोटान के बारे में कुछ पॉइंट्स थे। आगे हम लोग बात करते हैं डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य और प्रकाश की द्वैती प्रकृति के बारे में। तो इसको पहले समझते हैं कि द्वैती प्रकृति कैसे समझी जा सकती है। यहां पर हम लोग एक फिगर बनाते हैं, ये कोई फिगर बना रहे हैं हम लोग, मान लेते हैं ये कोई पिस्टल है, कोई पिस्टल है और यहां पर एक ये कोई गन है मान लेते हैं, ये कोई गन है मान लिया। अब अगर ये कोई गन है इसमें क्या है, ये मान लेते हैं 1000 बुलेट पर सेकेंड फायर कर सकती है और यहां पर ये एक मिनट में सिर्फ एक बुलेट फायर कर सकती है, एक बुलेट फायर कर सकती है। और हम इन दोनों चीजों को एनालाइज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो जब इससे बुलेट निकलेंगी बाहर की तरफ तो उनमें जो गैप होगा वो हम देख सकते हैं, देख पाएंगे कि हाँ एक बुलेट जा रही है, उसके बाद फिर दूसरी बुलेट जा रही है, फिर तीसरी बुलेट जा रही है। लेकिन ये पर सेकंड अगर 1000 बुलेट फायर करती है, एक सेकंड में 1000 बुलेट फायर करती, तो जब इससे एनर्जी निकलेगी या जो बुलेट निकलेंगी वो क्या होंगी, हमें अलग अलग नहीं दिखाई देंगी, वो एक साथ दिखाई देंगी। और एक साथ दिखाई देने की वजह से हमें पता चल रहा होगा कि यहां पर द्रव्यमान जो है वो एक साथ जा रहा है, लेकिन वो एक साथ नहीं होता है। द्रव्यमान यहां पर हमें ये दिखाई देगा कि एक साथ जा रहा है, क्योंकि अगर एक सेकंड में 1000 बुलेट निकलेंगे किसी गन से तो हम ये देख पाएंगे कि सिर्फ एक लाइन जा रही, पुंज जा रहा है ऊर्जा का, या फिर द्रव्यमान का एक पुंज जा रहा, उसमें गैप है या वो अलग अलग है ये हम विभेद नहीं कर पाएंगे, ये देख नहीं पाएंगे। तो इस आधार पर ये हम कह सकते हैं कि जो डी ब्रॉगली ने बताया था कि जितने भी मैटर होते हैं, द्रव्यमान होता है जिन कणों का, उन सबके पास तरंग का गुण होता है उन सबके पास में, लेकिन वो तरंग का गुण हम तभी देख पाते हैं जब उनका वेग ज्यादा हो और उनका द्रव्यमान कम हो, ठीक है। तो इस आधार पर क्या कह सकते हैं कि डी ब्रॉगली ने बताया था कि द्रव्य जो होता है ये द्वैती प्रकृति रखता है, द्वैती प्रकृति रखता है, और द्रव्य की द्वैती प्रकृति होने की वजह से इसमें कौन कौन से गुण होते हैं, तो इसमें तरंग का भी गुण होता है और इसमें कण का भी गुण होता है। तरंग का गुण कब देखा जा सकता है, कण का गुण तब देख सकते हैं जब उसका आकार या फिर हम कह सकते हैं द्रव्यमान बहुत कम हो, बहुत कम हो। यहां पर आकार या फिर द्रव्यमान ज्यादा हो, ज्यादा होगा तो कण नेचर हमें दिखाई देगा और कम होगा तो तरंग का नेचर हमें दिखाई देगा। इन्होंने बताया था कि अगर कोई विकिरण है, मान लेते हैं कोई कण है जिसका द्रव्यमान m है, तो उसके पास भी ऊर्जा होती है। तो हम लोगों को पता है E बराबर क्या होता है, एम सी स्क्वायर होता है। ये क्या होती है, आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है ये, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है ये। और दूसरी अगर लिखी जाए तो हम भी हम लोगों ने देखा ये बराबर होता है एच न्यू, ये क्या है प्लांक की क्वांटम समीकरण, क्वांटम समीकरण है ये। और अगर प्लांक की क्वांटम समीकरण है इसको सही से लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, c अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। अब अगर इन दोनों समीकरणों को हम बराबर कर दें, क्योंकि ऊर्जाएं ही हैं, तो अगर इनको बराबर किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा m इंटू सी स्क्वायर, दाहिना पक्ष ये, इसका दाहिना पक्ष क्या है एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा, एक सी से एक सी कटेगा तो m इंटू सी बराबर यहाँ क्या लिखा जा सकता है, h डिवाइडेड बाई लैम्डा लिखा जा सकता है। अब इसे हम बात करते हैं कि प्रकाश के वेग, प्रकाश के वेग c को
कण के वेग v से विस्थापित करने पर अगर विस्थापित कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, विस्थापित करेंगे तो इसे लिख सकते हैं m इंटू वी बराबर में क्या लिख सकते हैं, h अपान लैम्डा लिख सकते हैं। और m इंटू वी क्या होता है, तो ये संवेग होता है, तो h अपान लैम्डा मिल जाएगा। तो यहां से हमें लैम्डा की जो वैल्यू मिलेगी उसे हम h अपान m इंटू वी लिख सकते हैं या h अपान p लिखा जा सकता है। यह ऐसा बन क्या आएगा हमारे पास, तो ये जो लैम्डा लिखा जाता है इसी लैम्डा को हम क्या कहते हैं, डी ब्रोगली तरंग धैर्य कहते हैं, डी ब्रोगली तरंग धैर्य कहा जाता है। तो ये डी ब्रोगली तरंग धैर्य है, इस डी ब्रोगली तरंग धैर्य को याद रख सकते हैं। एक बात यहां और, अगर फार्मूला देखा जाए तो हम लोग जानते हैं पी स्क्वायर अपॉन टू एम बराबर के होता है, तो यहां से हमारे पास P की जो वैल्यू निकल के आएगी 2m इंटू के निकल के आएगी, k जहां गतिज ऊर्जा है। अब एक बात और भी कह सकते हैं, गतिज ऊर्जा को हम लोग क्या लिखते हैं, q इंटू v से भी तो लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। तो यहां से P की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2m q इंटू v, ऐसा लिखा जा सकता है रूट के अंदर। तो इस फार्मूले को आगे फर्दर बढ़ा के लिख सकते हैं h डिवाइडेड बाई p, p को क्या लिख सकते हैं 2m इंटू के, जहां k गतिज ऊर्जा है, या इसको फर्दर आगे बढ़ा के लिखा जा सकता है h अपान रूट ओवर 2m q इंटू v लिखा जाता है। यहां पर हम बात करें कि लैम्डा एंगस्ट्रॉम में निकल के आता है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए ये लिखा जाता है 12.27 डिवाइडेड बाई में रूट वी। ये हमारे पास फार्मूला निकल के आता है डेविसन जर्मर प्रयोग से, ये फार्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। बाकी कणों के लिए भी निकाल सकते हैं, कुछ खास नहीं करना है, यहाँ द्रव्यमान और उनका आवेश रखना है, एच का मान रखना है, एच का मान हम जानते हैं 6.6226 × 10¹¹ जूल इंटू सेकेंड होता है, फाइनल वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इस सवालों को लगाने के लिए एक थोड़ा छोटा सा अजम्पशन ले लेते हैं। अजम्पशन क्या होता है, एच सी की जो वैल्यू लिखी जाती है लगभग में होती कितनी है, वो अप्रोक्सीमेट होती है 12.375, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं इन जनरल 12.400, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये 12.400 अगर हम लिखेंगे तो अगर हमारे पास फार्मूला ई के बारे में देखें तो फार्मूला होता है एच सी अपान लैम्डा, तो इसे लिखेंगे हम 12.400 डिवाइडेड बाई में लैम्डा होगा, तो यहां पर जो ई आता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है और लैम्डा जो रखा जाता है वो एंगस्ट्रॉम में रखा जाता है। और अगर ऐसा नहीं है तो इसे हम ऐसे लिखते हैं 12.40 डिवाइडेड बाई में लैम्डा, और यहां लैम्डा निकल के आता है नैनोमीटर में। तो कोई भी फार्मूला लगाना हो याद रख सकते हैं, इससे मान लगभग में निकल के आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। तो बहुत जल्दी में हो तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तरंग दैर्ध्य 500 नैनोमीटर का फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करनी है। तो यहां पर लैम्डा हमें दे रखा है, लैम्डा बराबर क्या है, 500 नैनोमीटर मतलब माइनस का 9 मीटर, तो लैम्डा बराबर क्या आएगा, 5×10⁻⁷ मीटर। तो ये तो दिया था तरंग दैर्ध्य, हमें बताना क्या है, कह रहे हैं फोटॉन की ऊर्जा बताओ, तो ऊर्जा ई बराबर क्या लिखी जाती है, ये लिखी जाती है एच सी अपान लैम्डा। अब अगर हम एच सी पूरी वैल्यू रखें, एच का मान होता है 6.6226 × 10¹³ और गुड़े सी का मान क्या होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा का मान इन्होंने दे रखा है 5×10⁻⁷। इसे सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से देख सकते हैं, 5 से काटें सबसे पहले इसे, तो 5 से अगर हम इसे काटेंगे तो बन जाएगा 5×5 और ये बनेगा 5×3=15 और ये बन जाएगा 5×2=10, 5×5=25, ठीक है, इस तरह से चलेगा, और 5×2=10 फर्दर 10 बनेगा। अब अगर हम इसे कैंसिल कर मल्टीप्लाई करा दें तो 3×2=6 बन जाएगा ये, और 3 का हम 5 से कराएंगे 15 बन जाएगा, 5 बनेगा, और ये वैल्यू निकल के आएगी 3×2=6 = 7 बन जाएगा, और ये 3×3=9 बनेगा, ये 9 लिख दिया जाएगा, और ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 3×3 बन जाएगी, ऐसा होगा यहाँ पर। तो ये बन गया × 10¹³, कितना लिखना था हमें, 10 की घातें कितनी बनेंगी, -34 लिखा, 8 लिखा,
अगर हम लोग इसे ऊपर लेकर के जाएं तो ये 7 है, ये 8 है, तो 8 7 बन जाएगा 15, तो ये बनेगा 10 की घात 15। अब अगर इसमें से घटा दें तो निकाल सकते हैं 14, ये 14 में से 5 जाएगा, 9 5 14 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो ये माइनस का 34 आएगा, माइनस का 19 वैल्यू बनेगी। इसको हमें डिवाइड करना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 के साथ। ऊपर वाली वैल्यू जूल में आई थी, अब आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अब क्या कर सकते हैं, 16 है ये, तो अगर इसे हम लोग डिवाइड करवाएं तो कितने में डिवाइड कर सकते हैं, ये डेढ़ लिखा है, 3 लिखा है, तो 16 दूना 32 चला जाएगा, तो लगभग में ये वैल्यू आएगी 2.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। जूल में जो आता है, अगर यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जूल में अगर ऊर्जा दी होती है, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो गुणा कराया जाता, यहाँ पर भाग दिया जाता है, डिवाइड करवाते हैं हम लोग 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदलना हो जूल में, तो यहाँ पर गुणा कराया जाता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से। ये कन्वर्जन याद रखेंगे। अगला सवाल है, 1.6 × 10⁻¹⁷ -27 किलोग्राम द्रव्यमान के न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा दे रखी है, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य हमें बताना है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अगर इसकी गतिज ऊर्जा दे रखी है और यहाँ पर इसका द्रव्यमान भी दिया है, तो गतिज ऊर्जा दी है, द्रव्यमान दिया है, तो हमने फार्मूला पढ़ा है, एच बराबर हो, लैम्डा बराबर होता है एच अपान रूट ओवर 2mk, यही लिखा जाता है। एच की वैल्यू क्या होती है, 6.626 × 10⁻¹⁴ लिखा जाता है डिवाइडेड बाय में। यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो ये वैल्यू लिखी जाएगी 2 × mm का मान इन्होंने दे रखा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 kg हो गया, और k का मान कितना दे रखा है, तो ये वैल्यू दे रखी है 0.04 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 10⁻²। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया। अभी यहाँ पर हमने बात किया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना हो तो हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब ये हमारे पास ऊर्जा किस में आ गई, तो जूल में आ गई हमारे पास ये ऊर्जा। अब ये ऊर्जा जूल में है, यहाँ पर रख लेते हैं, तो ये बनेगा 4 × 10⁻², इंटू ये वैल्यू बनेगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, ठीक है। अब इसे हम फर्दर सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारे पास, यहाँ से देख सकते हैं 1.6 दो बार है, इसे बाहर निकाल लेते हैं, एक बार बाहर निकल आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। यहाँ 4 लिखा हुआ है, इसका 2 बाहर चला जाएगा, वैल्यू अंदर बची रह गई रूट 2, तो ये रूट 2 बचा रह जाएगा, या रूट 2 का मान रख देते हैं 1.414, और यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा, तो 6.626 × 10⁻¹⁴ बनेगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी एंगस्ट्रॉम में, ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में मिलेगी 1.458 एंगस्ट्रॉम, यहाँ से लैम्डा हमें मिल जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। इसकी कैलकुलेशन करेंगे फर्दर तो ये इतना आंसर हमारे पास आ जाएगा। कैलकुलेशन बहुत आसान है, अगर फार्मूले याद होंगे तो बहुत आसानी से सवाल किए जा सकते हैं। यहाँ पर जो हम लोगों ने भी फार्मूले देखे कि लैम्डा के कौन कौन से फार्मूले होते हैं डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य निकालने के, तो पहला तो होता है H/mv, H/p, H/2mk, के होती है गतिज ऊर्जा, H/2mq × v, वी वोल्ट से अगर त्वरित किया जाए किसी का आवेश क्यों को, तो उसके सापेक्ष डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य इस फार्मूले से लिखी जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन को किया जाए त्वरित वी वोल्ट से, तो उसका इतना तरंग दैर्ध्य निकल के आती है एंगस्ट्रॉम में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दिया है, किसी धातु का कार्यफलन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कह रहे हैं 100 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का विकिरण आपतित होता उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा बताओ। यहाँ पर हम लोग लगभग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं चाहें तो। तो कार्यफलन दिया है, तो कार्यफलन W होता है, तो W दिया गया है। ये आपतित विकिरण की आवृत्ति है, तो लैम्डा हमें दे रखा है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा बताओ, तो हम लोगों को पता है E-W बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो E के बारे में देखें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहते हैं तो इसे लिख सकते हैं 12400 और डिवाइडेड बाई में क्या लिखा जाएगा, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं, तो ये वैल्यू किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, लगभग के लिए कैलकुलेशन चल रही है। तो अगर ये लगभग में कैलकुलेशन हम चला रहे हैं तो ये वैल्यू बनेगी 12400 डिवाइडेड बाई में लैम्डा का मान कितना है 100, और ये वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसे लिख सकते हैं 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना लिखा जा सकता है, यहाँ पर रख लेंगे हम। तो ये वैल्यू आ गई है 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस
W की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6.6 है, इसकी वैल्यू निकल के आएगी के ई मैक्सिमम। उन्होंने यही कहा अधिकतम गतिज ऊर्जा बताओ, घटाना चाहे घटा सकते हैं, 24 है, 24 में से 6 को घटा लो तो 4 इधर घटेगा, 2 उधर घटेगा, 18 बचेगा, 18 होगा, 18 माइनस 0.6 बराबर के ई मैक्सिमम आएगा। अगर इसे हम फर्दर सॉल्व करें आगे तो बनेगा 17.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगी अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो इस तरह से भी हम जल्दी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहां पर ध्यान रखेंगे कि 118 आएगा तो 117.4 बनेगा, ठीक है। तो इस आधार पर हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये शॉर्टकट तरीका हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हमें डाटा को थोड़ा जल्दी कैलकुलेट करना हो, कर सकते हैं। अगला सवाल हमें दे रखा है, बोर्ड का सवाल है ये, बोर्ड के तो सभी सवाल है लेकिन ये भी बोर्ड का सवाल है, कई बार पूछा गया। कह रहे 800 और 700 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की जब पराबैंगनी किरणें हाइड्रोजन परमाणु पर उसकी मूल अवस्था में डाली जाती हैं तो उनसे 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, प्लांक नियतांक का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर प्रकाश वैद्युत समीकरण को दो बार लगाएंगे। दो बार क्यों लगाएंगे, लैम्डा अलग अलग दे रखे हैं तो हम लोग जानते हैं ई माइनस डब्ल्यू बराबर क्या होता है, तो ई माइनस डब्ल्यू बराबर होता है के ई मैक्सिमम, ऐसे ही लिखते हैं। ई का मान हमें पता नहीं तो यहाँ से लिख सकते हैं ना एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा, लैम्डा कितना दिया गया 800, तो 800 गुणे 10 की घात माइनस 10 बन जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या होगा डब्ल्यू, डब्ल्यू तो सेम ही रहेगा, डब्ल्यू रख लेते हैं, और ये जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है पहले के केस में निकल के आ रही 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही, तो इसको हम गुणा करा देंगे माइनस 19 से, ये जूल में बदल गई, इसको हम पहली समीकरण नाम दे देते हैं। दूसरी समीकरण हमें सॉल्व करनी है, दूसरी कैसे आएगी, यहाँ ई लिखा है, अब की बार हम लिखेंगे एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा, लैम्डा 700 है तो 700 लिख देंगे, गुणे 10 की घात माइनस 10 लिखा जाएगा, माइनस डब्ल्यू क्योंकि डब्ल्यू तो बदलेगा नहीं, धात तो वही है। अब की बार इनकी गतिज ऊर्जा 4 आई है तो 4 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 लिखा जाएगा जूल में, दोनों समीकरणें बन गई। अब इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है तो देख लेते हैं कौन सा मान ज़्यादा है। तो देखो इधर वाली वैल्यू ज़्यादा उधर वाली वैल्यू कम है तो दूसरे में से पहले को घटा देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, तो अगर 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो इधर वाले में वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास एच सी कॉमन चला जाएगा ऐसा, और डिवाइडेड बाय में 10 की घात माइनस 10 कॉमन चला जाएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं, या ऐसा ना करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, सबसे पहले ये वैल्यू लिख देते हैं, एच सी कॉमन चला गया, देखो 7 गुणे 10 की घात माइनस 8 है, यहां पर ये माइनस 8 है तो इसे हम लिख देते हैं 10 की घात माइनस 8 कॉमन, यहां पर ये वैल्यू निकल के आएगी 1/700 क्यों, अब 1/7 आएगी, माइनस 1/8 आ जाएगी बराबर। इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 को कॉमन ले लेंगे, घटाएंगे तो क्या मिलेगा, देखो 4 में से हम 1.8 घटाएंगे तो 4 में से अगर हम 1.8 को घटाएंगे तो 4 में से एक सीधे घटाओ 3 बचा, अब 3 में से 0.8 घटाओगे तो 3 में से अगर हम 0.8 घटाएंगे तो देखो 2 क्या बन जाएगा, 2 बनेगी वैल्यू, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई, अब हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्या बनेगा, ये एच सी हमारे पास दिया ही गया है इधर, तो ये वैल्यू निकल के आएगी एच सी डिवाइडेड बाई, या फिर हम इसको उधर भेज देते हैं, एच सी बराबर यहाँ पर आ जाएगा 2.2 इंटू 10^-19, 10 की घात माइनस 8 इधर आएगा तो 10 की घात माइनस 8 इधर चला जाएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी तो देखो 8-7 1 बनेगा, 8 7 56 बनेगा, तो 56 जब इधर जाएगा तो इधर गुणा हो जाएगा 56 और डिवाइडेड में चला जाएगा 8-7, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है। तो यहाँ से अगर एच की वैल्यू निकाली जाए तो क्या मिलेगा, 2.2 गुणे 10 की घात माइनस का 19, यहाँ पर 10 की घात माइनस 8 गुणे 56 मिलेगा, और डिवाइडेड बाई में सी का मान रखेंगे तो 3 गुणे 10 की घात कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। अब घातें सही करना चाहें तो कर सकते हैं, घात सही करेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगी घात, 8 का 8, 8 दुना 16 हो गई, 16 दुना 32, 32 तीन हो जाएगा 35, तो ओवरऑल ये वैल्यू हमारे पास निकल आई 2.2 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10^-35, 35 हो गया। अब इसे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमें,
ये हो जाएगा 3 6 5 11, इसे काट देते हैं, 3 1 3 3 2 5 मिलेगा, 26 होगा, 3 8 24 हो जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा, 2 बचेगा, 3 6 18, बस ऐसे चलता रहेगा लगातार। तो इसे हमारे पास लिखा जा सकता है 2.2 इंटू 18.6 मिलेगा, इंटू 10^-35 मिल जाएगा। इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू लगभग में वो आएगी 6.5 × 10^-34, और मात्रक क्या होता है, जूल सेकंड रहता है। तो इस तरह से हम सवालों को कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये कुछ सवाल थे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के और द्रव्य तरंगों के बारे में जिनको हम लोगों ने लगाया। और यहाँ पर हम लोगों ने डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के कौन कौन से सवाल हैं जो हमें याद सूत्र हैं जो सवाल लगाने के लिए याद रखने चाहिए वो भी बताया, कहाँ से आए उसके बारे में बात की गई। और यहाँ फोटान के बारे में, फोटान का संवेग, फोटान की ऊर्जा, फोटान की तरंग दैर्ध्य कैसे निकाली जाती है, उन सबके बारे में बात की गई। आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या थी, उसके ग्राफ क्या थे, उनके बारे में बात किया गया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम क्या थे, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पर पढ़ा कि प्रकाश वैद्युत धारा प्रकाश उत्सर्जन के दर के समानुपाती होती, और ये थे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। और यहाँ पढ़ी प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिभाषा। तो ये ओवरऑल 6 नंबर में पूछा जाता है यूपी बोर्ड में, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। थियरी कौन कौन सी होती है उसके बारे में भी पढ़ लिया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम पूछे जाते हैं, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम यहाँ से हम लिख भी सकते हैं। एक और पॉइंट यहाँ से रह जाता है जिसे हमें पढ़ना चाहिए, कि यहाँ से देख सकते हैं कि E-W बराबर में KE मैक्सिमम होता है। तो जो इन नियमों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, पहला पॉइंट कि किसी धातु सतह से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं समानुपाती होता है, ऐसा ये आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। इस वाले पॉइंट के देखें, अधिकतम जो गतिज ऊर्जा होती प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती, तो हम लोग अगर आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण यहाँ लगाएं तो E-W बराबर क्या लिख सकते हैं, KE मैक्सिमम लिख सकते हैं। और ये क्या होता है, तो ये होता है H𝛎 − H𝛎0 बराबर में KE मैक्सिमम होता है। तो अगर किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना चाहते हैं तो न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से ज़्यादा होनी चाहिए। तो आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के आधार पर इसे समझा सकते हैं, क्योंकि गतिज ऊर्जा कभी ऋणात्मक होती नहीं, तो गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं होती तो ई का मान डब्ल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई कि धातु सतह पर इलेक्ट्रॉन गिरते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने के बीच में कोई समय पश्चता नहीं होती। तो ये कंप्लीट थियरी थी जिसके बारे में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। बोर्ड में 6 नंबर में आता है, तो पेपर में इसे रिवाइज करके जाएं। सवाल इसके बहुत आसान होते हैं। अप्रोक्सीमेशन, सन्निकटन मान कहाँ प्रयोग करना, लगभग में मान लेकर के HC की वैल्यू हम 12400 या 12375 लेकर कैलकुलेशन को सॉल्व आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अगली क्लास में हम बात करेंगे परमाणु तथा नाभिक के बारे में। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट।